नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी YouTube चैनल जगत जानकारी में। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस, हरियाणा मेल SI का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है, आप लोग रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन मेल SI का एग्जाम जो है वो रिजल्ट आने से पहले कैंसिल होने के चांसेस अब लग रहे हैं कि पूरे के पूरे लगता है कि अब कैंसिल जो है वो कर दिया जाएगा, इसलिए रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया जा रहा है। आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ SSSC ऑफिस, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पंचकुला में आज क्या क्या हुआ, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। क्या क्या खबर थी हमारे पास, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हमने इकट्ठा की है, और ये जो बात यहाँ पर मेल SI के एग्जाम्स को रिलेटेड है कि बहुत पंगे हो गए हैं, इस वजह से कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आप लोगों को जैसे पता है कि मेल SI का जो है आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और आप लोग रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, आपने जो है ऑब्जेक्शन वाले पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज पूरे दिन पंचकुला में काफी हड़कंप मचा, काफी बवाल हुए। बवाल मतलब इस तरीके से शांतिपूर्वक बच्चों ने अनशन किए, लेकिन अब क्या चेयरमैन क्या चाहती है, क्या गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि देखिए काफी मेल SI के बच्चे भी थे, काफी फीमेल कॉन्स्टेबल फीमेल SI के बच्चियां भी हमारी वहाँ पे थी, बहन थी जो परेशान हो रही थी, काफी दिन भर से आज परेशानी उनको झेलनी पड़ी, लेकिन चेयरमैन एक बार भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। लेकिन बच्चों का पूरा एकदम मानना ये कि वो भूख हड़ताल पे कल से बैठने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि वो भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं और पूरे के पूरे सपोर्ट में आप लोग के लिए खड़े हुए हैं। तो जो जो बच्चे जितने जितने चांसेस हैं आप लोगों के वहां पहुंचने के लिए, चाहे वहां पहुंच के चाहे कहीं पर ही पहुंच के, अब नहीं तो कभी नहीं, ये वाला देख लीजिए। और अगर आपके साथ भी गलतियां हुई हैं या गलत होने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि फीमेल कांस्टेबल में भी गड़बड़ी हुई थी और मेल LSI में भी सेम टू सेम वही पंगा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम भी कंप्लीट हुआ 26 को और आप लोगों का फिर 13 को भी एग्जाम रखा गया। अब दोनों का फिर से मिलान करेंगे, हार्ड और इजी वाले में फिर से पंगा कर देंगे, फिर से नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का पंगा स्टार्ट कर देंगे, और कुछ लोगों को जो बच्चों का कम नंबर आएगा उनको पास कर देंगे, जिसका ज्यादा नंबर आएगा, जिसके ज्यादा क्वेश्चन सही रहेंगे उनको फेल करके बाहर कर देंगे। ऐसे पंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पिछली बार फीमेल कांस्टेबल फीमेल SI के साथ कर दिया है। तो आप लोग भी सतर्क रहिए, प्लीज मेल SI वाले बच्चे आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से, अगर आप अनशन में हैं तो बहुत बहुत वेरी गुड, आप लोग हाथ जुटे रहिए, अपने हक के लिए लड़ाई करिए, हम शांतिपूर्वक करिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के एग्जाम्स कैंसिल करके दोबारा री एग्जाम कराए जाएं, इसके सपोर्ट में हम हमेशा रहेंगे। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है या मिलने वाली है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम जगत जानकारी यूट्यूब चैनल पे आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर से, हम लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।